हम कार्यक्रम के उस मुकाम पे पहुंचने वाले हैं जिसके लिए मंच सजाया गया है, लेकिन इससे पहले मैं आप हमारे बीच में डॉक्टर कालेश्वरी जी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। किसी ने ठीक ही कहा है, क्या हूं कहा है, यह मत सोच मेरे दोस्त, यह मत सोचे मेरे दोस्त कि तेरा सपना सच नहीं होगा, यह मत सोच मेरे दोस्त कि तेरा सपना सच नहीं होगा। हिम्मत वाले इंसान का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान का कर्म अच्छा हो उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। और ये पंक्तियां मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज 2023 का जो टीलू रतेली अवार्ड है, जिस शख्सियत को हम देने जा रहे हैं, वो एक ऐसी शख्सियत है जो लगातार 40 वर्षों से रंगमंच के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से हमारे बीच में हैं। उनके बारे में जो विस्तृत जो उनका परिचय है उसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान की सचिव सुमित्रा किशोर जी को। मेरा सौभाग्य है कि मुझे बहु प्रतिभाशाली एक ऐतिहासिक महिला आदरणीय श्रीमती कुसुम बिष्ट जी के बारे में बोलने का अवसर मिला है। वर्ष 2023 के लिए टीलू रतेली अवार्ड के लिए श्रीमती कुसुम जी का चयन उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान के कार्यकारिणी के पदाधिकारियों द्वारा किया गया है। आपको बहुत बहुत बधाई। आज उत्तराखंड महिला दिवस भी है तो आपकी तारीख में दो पंक्तियों के साथ आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। तेरे चेहरे के नूर के आगे बाकी सब सादा सा लगा, तेरे चेहरे के नूर के आगे बाकी सब सादा सा लगा, था तो वो पूनम का चांद लेकिन तेरे आगे आधा सा लगा। सुंदर सहज सरल साकी निश्चल और मिलनसार व्यक्तित्व की धनी कुसुम जी का जन्म दिल्ली में हुआ। मूल निवास गांव गिदरासू पौड़ी गढ़वाल है। आपका रुझान बचपन से ही रंगमंच गायन की ओर रहा। आप उत्तराखंड की आंचलिक फिल्में रंगमंच व गायन शैली का विगत 5 दशकों से संवर्धन कर रही हैं। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आप गढ़वाली बोली भाषा की पहली आंचलिक फिल्म सुविख्यात फिल्म जगवाल की पहली नायिका व गायिका रही हैं। किसी भी क्षेत्र में प्रथम का खिताब मिलना एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। जोरदार तालियां हमारी कुसुम जी के लिए। वर्ष 1980 में स्वर्गीय दिनेश पांडे के सांस्कृतिक ग्रुप से जुड़कर रंगमंच की दुनिया में कदम रखा। आपने कई जानी मानी सुविख्यात सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़कर कामयाबी के नए आयाम स्थापित किए, जिनमें पर्वतीय कला केंद्र, सुप्रसिद्ध नाट्य दल हाई लर्स ग्रुप एवं उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान शामिल हैं। उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान में आप नाट्य सचिव के पद पर हैं। आपने अनगिनत नाटकों में, फिल्मों में, शॉर्ट फिल्मों में, टीवी सीरियल, वीडियो फिल्में और इसके अतिरिक्त हिंदी नाटकों में भी अभिनय किया। कुछ नाटकों के नाम हैं अर्ध ग्रामेश्वर, बांजीगौड़ी, पुरिया नैथानी, जय भारत जय उत्तराखंड, पैसा न थैला, गुमान सिंह रौतेला, अपुन अपुन सर्ग। आंचलिक फिल्मों के नाम चल कठी दूर जौला, संकल्प, पहाड़ी बाबू, गौरा, तारा एक प्रथा। वीडियो फिल्में इकुलांश, भगीरथ, खैरी का आंसू। आपकी कर्णप्रिय आवाज में कई आंचलिक गीतों की रिकॉर्डिंग भी हुई है। आपका पूरा जीवन उत्तराखंड की कला संस्कृति के संरक्षण संवर्धन में बीता और अभी भी सफर जारी है। आपको कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है। आप उत्तराखंड की धरोहर हैं। लोक कला संस्कृति के लिए आप मील का पत्थर हैं। आपने वाली पीढ़ी को आपसे प्रेरणा लेकर अपनी धरोहर को सहेज कर अपनी कला संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन करना चाहिए। मैं अब श्रीमती कुसुम बिष्ट जी को आमंत्रित करती हूँ, सादर आमंत्रित करती हूँ और साथ में ही माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री हरीश रावत जी को भी सादर आमंत्रित करना चाहूँगी कि आप कुसुम जी को अवार्ड से सम्मानित करें। मैं प्रेम सिंह रावत जी से कहूंगी कि हरीश रावत जी का स्वागत कीजिए शॉल द्वारा।
प्रेम जी शॉल द्वारा हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। सारा प्लीज ऊपर आ जाओ। हेमालिनी, हेमोनिया जी, कंडवाल जी, जितनी भी महिलाएं हमारी हैं प्लीज आ जाओ। जो कलाकार महिलाएं हैं वो आ जाओ प्लीज। स्वागत करेंगी, तालियों से उनका स्वागत करेंगे। हमारे कलाकारों को हमेशा से मैं चाहूंगी कुसुम मिस्त्री जी आगे आए। आप आइए। सामने सामने इधर सामने देखिए वेट। हाँ जी सर सामने देखिए वेट। सभी महिलाएं अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी महिलाएं अपना और मैं मदन मोहन सभी से चाहूंगी कि एक प्रशस्ति पत्र कुसुम जी को हमारे संस्थान की तरफ से दें। और मैं पीसी सामने इधर देखो सामने नौटियाल जी को दिया जा रहा है। इंदु नौटियाल, सॉरी इंदु नौटियाल जी को दिया जा रहा है। मैं चाहूंगी कि वो मंच पे आए और ये सम्मान किशोर उपाध्याय जी। तीन रोते सम्मान मिले तो कार्यकारिणी एक निर्णय लिया कि वो कुसुम मिस्त्री साहब जो हमारी हीरोइन थी पहले फिल्म की हीरोइन वो तमिलनाडु से आई कार्यकारिणी को सर्वसम्मत फैसला था। लेकिन जो 2024 अकाउंट जो सम्मान दिए इंदु नौटियाल जी थी एक बार हम सोशल मीडिया पर की एप्लीकेशन में आता है वो बायोडाटा में घुसाए जैमें कि 6 बायोडाटा भर बटे यहाँ आए और निर्णायक मंडल में 5 निर्णायक मंडल का सदस्य आए जो बटे 4 लोग अपन एक दिल्ली से बेरोना कार्य नहीं दे सका 4 लोग पहले दाई नहीं कि 100 बटे 100 नंबर तो आश्रित इधर करें तुम्हें लेकिन 4 आदमी अलग अलग जगह एक एक ही उम्मीदवार पक्ष वोट कर दिन या वो चुनाव कर दिन बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह होती कि इंदु नौटियाल जी जो चयन आई वो 4 सदस्य अलग अलग जगह एक अलग अलग तरीके से देगी सबसे पहले नंबर उठे तुम इंदु नौटियाल जी जन्म जो खालतू खत्ता कोरदार भाई और यहाँ को ससुराल सीढ़ी या धारपट्टी ताले जिला पौड़ी गढ़वाल और वर्तमान में आप जो खालतू खत्ता कोरदार में रहने इंदु नौटियाल जी साल 2000 बटे लगातार निस्वार्थ भाव से इन आप लोग सेवा करना थे जो समाज द्वारा तिरस्कृत थे परिवार में या समाज द्वारा इन अपंग या तिरस्कृत लोग थे देखी श्रीमती इंदु
जिनका मन में अपनी सेवा भाव पैदा हुए ना। एक तरफा उन कोरोना काल में घर पर मास्क बने निःशुल्क जनमानस का जनमानस में बढ़ने को काम करी। दूसरी तरफा सड़कों पर घूमने में अनाथ लोगों की सेवा करना पूर्ण काम करी। आज तलक श्रीमती जो घूमना नहीं जो ढकू निपुत आज तलक श्रीमती इंदु द्वारा ग्यारह अपंग महिलाओं का एक भोजी वो तो नवे की धोए की और नया कपड़ा पहने कर्ण धाम आश्रम बाड़िया और सात मोर को था प्रेम धाम आश्रम नजियाबाद पहुंचे गए जो की उम्र 15 से 65 साल तक छे। ये मानसिक और शारीरिक रूप से अपंगता थे और 15 से 65 साल तक थे। आश्रम विलम से पहले लोगों को बाल कटना दाढ़ी बनाना धोए के नया कपड़ा पहनाना ये बहुत बड़ी बात। आज अपने उन्होंने निकलना थी समाज में तो जो समाज से तिरस्कृत लोग थे परिवार से तिरस्कृत लोग थे उन लोगों का अपना और वो था फिर नई जिंदगी जीना को आश्रम भेजने बहुत बड़ी काम थी। इंदु नटाल जी इन्हें पुणे का काम करती श्रीमती इंदु नटाल जी और बिन से सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे तक योग प्रशिक्षण को काम करते हैं। अन्य का युवा बालक बालिका खर्चों में 367 महिला और 120 मर्द सन वो था योग प्रशिक्षित करे जीवन का अटूट सत्य वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा पर निर्भर कर। श्रीमती इंदु नटाल जी का सभी काम था बारीक से जन्म जन्म निर्देशन करना था तो वो को एक यूट्यूब पहाड़ निंदु आप देख सभी की आज उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान और हिमालय विरासत न्यास का सहयोग से श्रीमती इंदु नटाल है साल 2024 को वीरांगना टीम के लिए सम्मान से सम्मानित करना पर सतारा गौरवान्वित महसूस करते और ये इसके अलावा मैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री सी एम पब्लैन जी हमारे पार्षद श्री सोनू जोशी जी माता निर्देशक राकेश गौर जी और कृष्णा गौर जी को कहूंगी वो मंच पे आए ये सम्मान लेने के लिए कृपया मंच पे आए। सेंटर में जाओ सेंटर में ये कलाकार मन बन गए जी हाँ जी सर सामने देखेंगे मैं हमारे जो युवा सेनाएं के कोषाध्यक्ष श्री दीनदयाल जी इनसे निवेदन करूंगा कि जो सम्मान राशि का चेक है वो इंदु नटाल जी को भेंट करें। श्री दीनदयाल जी जोरदार तालियां वेट साहब लेंगे मैं हमारे जो मुख्य अतिथि हैं आज के श्री हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री उनसे निवेदन लोगों के प्रशस्ति पत्र श्रीमती इंदु नटाल जी को भेजते हैं। हरिपाल रावत जी पीसी धानी जी मैनवाल जी संयुक्त प्रतियोगिता धानी जी और आरती धानी क्योंकि संयुक्ता जी ने वो एक बहुत सफल महिला है और बहुत सहज और सचेत महिला है समाज की। उन्होंने उसका श्रेय अपने पतिदेव को दिया इसलिए मैंने भी संयोगता जी ध्यानी जी के साथ ही आरती ध्यानी जी के नाम का संबोधन करना मुझे समझा तो
संगीता ज्ञानी जी, आरती ज्ञानी जी, कुलदीप भंडारी जी, सुमित्रा किशोर जी, अंजू भंडारी जी, सुनीता शर्मा जी, संतोष बड़ोली जी, कुसुम बिश जी, श्रीमती श्री दीनदयाल दयाल जी, प्रेम सिंह रावत जी, श्रीमती लक्ष्मी दयाल जी, कृपाल सिंह रावत जी, उमेश भंडारी जी, दर्शन सिंह रावत जी, महेश प्रकाश जी, जो पहले श्री बोर्ड के मेंबर भी थे, बहुत समझदारी, अजय बिस जी, ललिता रावत जी, मंगल सिंह नेगी जी, अनिल पंत जी, शिव सिंह रावत जी, रमेश भेजियाल जी, दिनेश झानी जी, सती जी, सुशीला रावत जी और सभी यहाँ पे पधारे हुए आदरणीय बहनों और भाइयों, मैं आप सब के साथ मिल करके उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्था को और उसके सारे मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत उनको इस बात के लिए कि उन्होंने एक जो हमारी उत्तराखंड के कथानक की महानायिका तिलू रौतेली, उनके नाम पर एक पुरस्कार का सुनिश्चित किया और वो पुरस्कार एक जो परिवार अपनी रूढ़ियों और मान्यताओं दोनों को मिला करके कुछ ऐसे बंधनों में अपने आप को बांधते थे और उन बंधनों को तोड़ करके आगे निकलना किसी भी महिला के लिए, लड़की के लिए बड़ा कठिन काम होता था। तो जो जगवाल फिल्म थी उसकी नायिका ने ये साहस दिखाया और मैं समझता हूँ कि वो इज अ वेरी वेरी डिजर्विंग पर्सन कि उनको चीजें कि उनको पुरस्कार देने का तात्पर्य है कि उन सब बहनों को तक ये पुरस्कार गया है जिन बहनों ने उस समय आगे बढ़ करके समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया और रास्ता बनाया। रास्ते पर चलने वाले तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन रास्ता बनाना बड़ा कठिन होता है। तो यहाँ पर बहुत सारी वो बहनें हैं, मैं तो सबको जानता हूँ, अब मेरे लिए उनका नाम लेना संभव ही नहीं है और मैं अपने सामने उन सब बहनों को देख रहा हूँ। वो सब वो हैं जिन्होंने वो रास्ता बनाया जिस पर आज तो हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ बहुत आगे बढ़ करके और हम अब तो फिल्मों में भी हम देखते हैं हमारी बहुत सारी बेटियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारे जो सीरियल्स हैं उनमें हमारी बहुत सारी बेटियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और भी क्षेत्र, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में अपने भाइयों की बराबरी में हमारी बेटियाँ खड़ी ना हों, हमारी बहनें खड़ी ना हों। आज स्थिति बदल गई लेकिन जिन्होंने स्थिति बदलने के लिए काम किया वो इस क्षेत्र के पायनियर हैं, इस क्षेत्र के शुरुआत करता है और उन सबको हम लोग प्रणाम करते हैं, उनको सलाम करते हैं, वंदन करते हैं। तिलू रौतेली एक ऐसी महानायिका थी जिसकी जीवन गाथा हमेशा उत्तराखंड के लोगों को नहीं, उत्तराखंड से बाहर भी लोगों को प्रेरित करने का। जब हम ऐसी वीरांगनाओं का नाम पढ़ते हैं, उनके विषय में साहित्य में पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, जिन्होंने अपने वीरत्व से क्योंकि पहले पुरुष का ही वीरत्व पर अधिकार समझा था लेकिन कुछ महिलाएं आगे आई, उन्होंने अपने जीवन से रास्ता बनाया। उनमें जिया रानी और तिलू रौतेली दो ऐसी महिलाएं थी उत्तराखंड की जिनका नाम हम हमेशा आदर और सम्मान के साथ लेते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि 2014 में हमने इन दोनों महानायिकाओं के नाम से
कुछ कार्यक्रम प्रारंभ किए, बल्कि तिरुर और तेरी जो अशक्त महिला पेंशन है वो तो आज भी चल रही है, और तिरुर और तेरी जी के नाम पर जो बहादुर महिलाओं को हर साल पुरस्कृत किया जाता है वो योजना भी चल रही है। बल्कि एक योजना जरूर जो है जिसमें हमने तिरुर और तेरी और जिया रानी के नाम पर दो विश्वविद्यालयों को शोध का काम सौंपा था, उसकी क्या प्रोग्रेस है वो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि हम चाहते थे इतिहास के बहुत सारे बिखरे हुए पन्ने हैं उन पन्नों को यदि खोद करके निकालें उनको आगे लाएं, तो आगे वाली पीढ़ियों की दिलचस्पी इस बात पर रहेगी कि किन लोगों ने कितना बेहतर काम करने का था। मैं एक शब्द गढ़वाल हितेशन सभा के लिए भी कहना चाहूँगा और विशेष तौर पर गढ़वाल भवन के लिए भी कहना चाहूँगा। गढ़वाल भवन हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है और इसका जिस कुशलता के साथ लोग संचालन कर रहे हैं, हर बार चुन करके लोग आते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि एक वंश है, एक समूह है लोगों का जो लोग इसका विधिवत तरीके से संचालन करते हैं और सब तरीके से, जैसे योगिता जी ने कहा कि हमको कई कामों के लिए प्लेटफॉर्म जब भी जरूरत पड़ती है तो गढ़वाल भवन की जरूरत देते हैं, जो हमारी बिरादरी के लोग हैं उनको भी कभी प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है वो भी गरीब की तरफ को देखते हैं, खिलाड़ी की धरती की तरफ को देखते हैं, हर कोई जो है गढ़वाल भवन की तरफ को देखता है। और ये ऑडिटोरियम अब तो एक शानदार ऑडिटोरियम के रूप में है, लेकिन जितना हमारा उत्तराखंड का यहाँ विस्तार हो गया, एक दूसरा उत्तराखंड, बल्कि मैं ये कहूँ कि एक डुप्लीकेट उत्तराखंड पूरे का पूरा इधर शिफ्ट हो गया है दिल्ली के अंदर, तो उस लायक उसने के लायक अब सब चीज़ें नहीं रहेंगी। और मेरी अपील है जो आज की जो लोगों तक मेरी अपील पहुंच सकती है, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि एक बार इतनी धनराशि खर्च करके ऐसा यहाँ एक ऑडिटोरियम बना दिया जाए जो ऑडिटोरियम आज के हमारे गढ़वाल कुमाऊँ के लोगों का या उत्तराखंडी समाज के बढ़ते हुए गेटअप के अनुरूप। आखिर जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो उसमें उस बात के लायक हमारा प्लेटफॉर्म भी तो होना चाहिए, उस बात के लायक हमारा गेटअप भी होना चाहिए। और एक अपील उसके साथ मैं आप सब लोग के लिए करना चाहूँगा, जब इस तरीके के समारोह होते हैं, इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें हमारी रुचि भी ज़्यादा होती है। यदि यही कलाकार किसी दूसरे रूप में आपके मार्गदर्शन करने के, आपका मनोरंजन करने के लिए यहाँ आए होते हैं, तो मैं समझता हूँ ये ऑडिटोरियम में बाहर तक भी जगह नहीं। और जब आप अपनी एक नायिका का पुरस्कार, नायिका के नाम से एक दूसरी नायिका को पुरस्कृत करने जा रहे हैं, ये आपके एक जीवन का एक क्षण है, एक मौका है। कितने लोगों को आने वाले हमारे बच्चे कल ये मालूम थोड़ी करेंगे कि कोई जवाहर फिल्म बनी थी, किन लोगों ने बनाई थी, वो तो हम लोगों को मालूम है क्योंकि हमने उस समय का संघर्ष देखा, उस समय की स्थितियाँ देखी और उस समय की ललक देखी, उस समय कितनी ललक थी इस फिल्म के लिए, कितनी चाहत थी, कितनी चर्चाएँ थी। जहाँ कहीं कोई बाहर का आदमी मिलता था तो एक ही बात कहता था, भाई जी तुम जगवाल फिल्म देखी करके, अब तो एक दूसरे से पूछता आज तो उस फिल्म की नायिका को आप सम्मानित करने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उसके अनुरूप हमारा जोश और वो भी होना चाहिए। तो ये एक अकेले आज के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप सब, हम सब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमसे जुड़े हुए लोग भी हैं, उन तक हमको ये संदेश देना चाहिए कि हमको अपने, हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, बड़े बड़े सवाल खड़े करते हैं, तो उन सवालों को खड़े करने के लिए उतना ही बड़ा हमारा मंच भी होना चाहिए, उतना ही बड़ा हमारा समूह भी होना चाहिए। अभी भी चंद्र सिंह गढ़वाली जी को वहाँ भी कहूँगा, उनको उनका जिक्र आया यहाँ पर, हमारे एक साथी ने कहा कि उनकी उनका जो योगदान था देश की आज़ादी की लड़ाई में उसके लायक उनकी पहचान नहीं बनी। वैसे मैं उनकी इस बात से, दिल्ली कहाँ गया दिल्ली, मैं उनकी बात से इतना सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बीरचंद सिंह गढ़वाली जी का राष्ट्रीय प्रदेश पर बहुत बड़ा सम्मान था, क्योंकि मैंने अपने नज़रों से देखा है कि
जब चंद्र सिंह नरवानी जी उस समय के प्राइम मिनिस्टर के पास गए और पता चला कि चंद्र सिंह नरवानी जी आए हैं, तो लपकते हुए सबको उधर उधर करते हुए, उस समय प्रधानमंत्री के साथ इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी, इतना तामझाम नहीं होता था, तो वो लपकते हुए आए और आ करके चंद्र सिंह नरवानी जी को जो है गेट से ले करके गई जो है। तो ये उनका रुतबा था, प्रधानमंत्री तक उनको रिसीव करने के लिए जाते थे, क्योंकि चंद्र सिंह नरवानी उनका अद्भुत योगदान था। हाँ ये जरूर है कि हमने अपने उस महानायक के राय अपने को खड़ा किया नहीं किया, ये सवाल हमको अपने आप से करना चाहिए। हम जो हम उत्तराखंडी लोग हैं, हमको ये सवाल अपने आप के लिए खड़ा करना चाहिए। हम जब हम इस सवाल का जवाब अपने आप दे देंगे, तो मैं निश्चय के साथ आपसे कह रहा हूँ, जो आपकी आकांक्षा है कि आपके सामाजिक आपके जो भी उत्तराखंड की का जीवन है, उस जीवन गाथा में जितने लोगों ने योगदान दिया है, उनका नाम उसके अनुरूप सारे देश के अंदर और समाज में जाना पहचाना जाए, वो निश्चित तौर पर जाना पहचाना जाएगा। लेकिन उसके लिए हमको भी अपने आप को मनसा वाचा करुणा से तैयार करना चाहिए। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। संगीता जी को वेरी डायनेमिक पर्सन, मैं तो बल्कि उनसे मेरा जिस समय वो फिल्म बोर्ड में थी ना मेंबर थी, तो उस समय उनसे मेरा संपर्क रहा, तो मैंने देखा ये बहुत बहुत इनके बहुत ज़्यादा ये सुझावों से उनसे बिल्कुल भरपूर है। ये बात इन्होंने अलग, अब इनको जो इनके कान में सुझाव जो है आरती ध्यानी जी देते हैं या इनके अपने हैं, ये तो हम उनसे कभी कभी बाद में पूछ रहे हैं। लेकिन ये जो है बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी महिला है, बहुत डायनेमिक महिला है और एक अच्छी ऑर्गेनाइजर है, और बहुत अच्छी तरीके से आज ये समारोह आयोजित किया गया। उसमें हमारे संगीत से जुड़े हुए लोग हैं, देखिए सब नामचीन लोग हैं, इत्यादि सब, इनका इनको कुछ ही पहचान की जरूरत नहीं है। तो ऐसा लग रहा है जैसे उत्तराखंड का जो है जो सांस्कृतिक जगत है, संगीत जगत है, वो यहाँ पर सारा उपस्थित है। तो मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, और जो जिनको पुरस्कृत किया है इंद्र जी और दिल जी को, उसम जी को, मैं उनको हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और उनको पुरस्कार के लिए छांटने के लिए आप सबको जो भी हमारे नाट्य संस्थान के सदस्यगण हैं उनको फिर मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। रमेश चंद्रा जी कृपया मंच पे आ गए। रमेश चंद्रा जी, सतीश कालेश्वरी जी कृपया, अभी थे वो तुरंत बाद हमारी अजलान की टीम यहीं पर है, उसके बाद उसका परमिशन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें, और इसके बाद हमारा युवनाई का गाना, और उसके बाद हमारी फिल्म अजगर की टीम तैयार है, वो उसका हम प्रमोशन करेंगे, क्योंकि उस फिल्म में मैंने भी काम किया है और सुपर हिट जा रही है फिल्म। तो जो भी फिल्म yeah।
पर चला गया रखे थे। अब मैं असरार की मुझे उमेश बंधु जी, अंजू भंडारी, रिया शर्मा, प्लीज जो भी हमारे कलाकार हैं वो मंच पे आ जाए। लगी है और बिल्कुल सुपर हिट जा रही है और हाउसफुल जा रही है और आप सब लोग देखने जरूर जाइएगा। राकेश गौर जी मैंने एक बार नाम लेंगे, दो बार सुन लेना मैंने, जल्दी आओ। जोरदार तालियां जिन्होंने असरार की लगी होगी, बहुत ही बेहतरीन कलाकार है हमारे। फिर है रमेश ठंगरिया जी, ये भी थिएटर कलाकार हमारे साथ ही हैं। उसके बाद हमारी नई कलाकार जिसकी पहली फिल्म इसमें आई है वो है रिया शर्मा, जोरदार तालियां इसके लिए। और उसके बाद जो आपने अंग्रेजी वो हमारी देखी होगी मेरी वो में, वो अब इसलिए भी उसने थोड़ा सा उसका तड़का है, वो जब देखने जाओगे तब पता चलेगा। ये है गीता गोसाई जिसने अभी हमारा नृत्य निरीक्षण किया है। उसके बाद अंजू भंडारी जी हैं, इन्होंने इसमें काम किया है और बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं। उमेश बदौनी जी की पहली फिल्म है और इनको आप देखिए बहुत बेहतरीन काम किया। राकेश गौर जी, ये तो बहुत सारी फिल्में बनाते हैं और इसमें भी बहुत बेहतरीन काम किया है इन्होंने, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां। आप कृष्णा गौर जी है, इन्होंने काम नहीं किया पर ये राकेश गौर से काम कराती हैं घर में, इनके लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि जब तक कोई पुरुष तभी आगे नहीं बढ़ेगा जब तक महिलाओं का सपोर्ट नहीं होगा, इसमें इनके लिए भी जोरदार तालियां। मैं अपनी सचिव से कहूँगी, नहीं दर्शन सिंह राव जी वो मेरे परखनाई गांव के हैं और इन्होंने पहली बार इस फिल्म में वो किया है और सब लोग आज आपको ये पार्टी दे रहे हैं तो रुक जाइएगा आप सारे। हमारा परिचय तो इन्होंने करा दिया और उसमें एक अहम किरदार है जो आप देखेंगे तो तब आपको पता चलेगा और वो है संयोगिता ध्यानी, अविनाश की एक और हमारी कलाकार। मैं राकेश गौर जी से बोलूंगी कि इसमें दो शब्द प्लीज फिल्म के बारे में बोलिए। सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। बहुत अच्छे लगते जब इसका भीड़ हम देख दछो और जब भी हम कोई समारोह या आयोजन कर दो और आप लोगों को स्नेह प्यार हमसे सदैव मिल रही और मिल दो रहे। और आज खुश किस्मत यू भी मेरी कि आज आदरणीय हरीश रावत जी यहाँ बैठे हैं जी। आप शायद भूल गया होना लेकिन मेरी जितका भी फिल्म बनी, पहली फिल्म मेरे गाँव से लेकर आज तक मेरे जो सफर से मेरे हमेशा आपका आशीर्वाद मिला और आपका शुभ हाथों से वो फिल्मों को उद्घाटन हुआ है और भगवान की तरह से बहुत हमदे कीर्ति यश सब मिल, जनता के स्नेह प्यार मिले। मेरा भी बात है कि मेरू गांव एक्चुअली हम फिल्म बनाता छो लेकिन उत्तराखंड का विषय पर जो वक्त पीड़ वक्त जो ज्वलंत मुद्दा छी हमारे फिल्मों में नायक और नायिका यूनिच की एक डाला ताल हो तो न जाए फिल्म बनी जाए। बहुत गंभीर मुद्दा छी, पहाड़ कापुर बहुत बड़ो दर्द छ और बहुत अभी भी हम समस्याओं से लड़ना चाहो पहाड़ कराओ छ जेकी आवाज हम तक नहीं आनी चाहिए। हम बातों से लेके लोगों तक आना चाहो और अगर हम समस्या बता दो तो उनको समाधान बताना भी कोशिश कर दो। मैं शायद टीरी भटे भी आया था हमारा किशोर उपाध्याय जी, सर नमस्कार प्रणाम आपने आपने भी हमारे फिल्म को सस्तानंद शर्मा जी भी आए हुए नमस्कार आप सभी को। तो मैंने टीवी में भी ये फिल्म देखी थी और आपने भी हमें बहुत मुश्किल में थे उस समय, एक दुर्घटना भी हो गई थी लेकिन वो फिल्म देखी और बहुत अच्छा उन्हें हमें आशीर्वाद भी उनका हमें मिला और हमारी यही कोशिश रहती है कि इस तरह के विषयों पर काम किया जाए। मेरू को आपका आशीर्वाद ऐसा मिला कि शायद उत्तराखंड के इतिहास में 150 दिन तक वो फिल्म जो पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण तक चली और लगातार चलती रही। और मैं बताऊं साउथ में हमने अपने एक दोस्त से मजाक किया था या रमेश ठंगरियाल जी ने किरदारी रावत जी से कि यार साउथ में फिल्म का प्रचार करने आप जाओगे तो वो आशीर्वाद फलीभूत और हमारी जो है हैदराबाद और तेलंगाना में भी वो फिल्म लगी मेरू गांव 150 गांव तक 150 दिनों तक और अब आपके आशीर्वाद से एक फिल्म असगार हमारे ले गई छे वो असगार कहानी नहीं पता सकूं तो जब आप देख लिया तभी आपने पता चलो लेकिन वो भी कुछ समस्या थी कि जो मतान छे कि हमारा पुराणों का जो रीति रिवाज जो हमारे देवताओं के प्रति आस्था जो विश्वासियों का कि नगे के सच वो नए पीढ़ी थे पुराण पीढ़ी दगड़े जोड़ना काम कर दे और शराब एक बुराई वे जमाने में विचार 200 साल पहले और आज विचार अब विचार तो वैसे दूर रहो। ये हमारा फिल्म बता दी और फिर पुनः UFNI की तरफ से संयोगिता जी की तरफ आभार धन्यवाद और आप सबको पुनः प्रणाम। और हाँ मैं आपसे आग्रह कर दूं कि समय बहुत कीमती है लेकिन फिर भी
भूल है तो आज बहुत फुर्सत है वो आओ। अगर आप सभी लोग अहला तो हम तक बहुत अच्छो लगलू। बहुत बड़ो सिनेमा हॉल छे, बहुत सीट छी, जब खाली देख दो हमें तो बहुत दुख होंद। जरूर आया जब समय लगा जयपुरिया मॉल में 3:45 पर अनुज जोशी की फिल्म अजगर। अनुज जोशी भाई साहब साधारण नाम नहीं, मेरी बहन भी बोले कि बंबई में जो जितेंद्र साहब की बेटी एकता कपूर के सीरियल कसौटी जिंदगी का जिसने सबसे पहला सीरियल डायरेक्ट किया था, उसको हम बंबई से बुला के यहाँ लाया कि यार हमारे पहाड़ी परिवेश पर, हमारे पहाड़ की समस्याओं पर फिल्म बना, और तब से वो आज तक लगा हुआ है। और सुशीला दीदी जी हमारे भी, आपका भी आभार अभिनंदन दीदी, प्रणाम आपको। और कुशाल सिंह बिल जी हमारे चाचा जी, हमारा आशीर्वाद। डॉक्टर कालेश्वरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, और पुनः आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। अब मैं आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें और सभी को फिल्म प्रमोट कीजिए, बाहर जाके वीडियो भी बनाइए। और मैं अपने टीजी के विधायक भाई किशोर उपाध्याय से कहूँगी कि वो मंच पे आए और दो शब्द हमारी योजना के बारे में जरूर बोले। वो इतने दूर से मेरे कहने पे आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि हमारी जूरी जो थी वो चारों लोग जूरी के मंच पे आ गए। किशोर भाई जी आपको, आपका स्वागत करेंगे और धन्यवाद करेंगे। तो जो जूरी लोग हैं हमारे तीनों, दिनेश ध्यानी जी, दिनेश ध्यानी जी प्लीज सब बैठे, हेमा उनियाल जी, रावत जी प्लीज थोड़ा बैठिए, आपकी आपके भाषण सब भी सुनिए, आप भी सुन के जाइए। तो लीजिए किशोर पाटे जी। जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, यमुना मैया की, गंगा मैया की, भगवान केदारनाथ की, भगवान बद्रीनाथ की, उत्तराखंड की, उत्तराखंड के सभी लोगों की। तो आज संयोगिता ध्यानी जी को आदेश हुई। अब आजकल तो हमारे फंडे आपदा में बीजा आई जगह जगह, और टीवी का घमखाली क्षेत्र में तो हमेशा ही होंगी। और मैं बोली संयोगिता जी ने एक महान शक्ति जो कहो जैसे हमारे से गर्व से तनी जानू वीरांगना तेज रोतेली जी का नौकर और निशंक जी का सहयोग से, और आप सबका सहयोग से एक बहुत अच्छे कार्यक्रम में गढ़वा भवन में करी हुई का वास्ता मैं होते हैं बहुत बहुत धन्यवाद देनो। बहुत लंबा समय बीती संयोगिता जी हम लोगों ने उत्तराखंड आंदोलन में जी बहुत लोग बैठे सबों का लो नौ लेने में जी बहुत समय लग जानू, लेकिन उत्तराखंड आंदोलन से लीते हैं और वहां से पहले जो सबसे बड़ी बात है जथा लोग सम्मानित हुए तो मैं बहुत बधाई दे दू। हरीश रावत जी भी अभी आने लगे आप लोगों का बीच में, और बहुत जथा लोग से सत्य जी बी टी और पिछड़ तक जथा लोग बैठे हैं वो सब तो मैं से मान्य देता हूँ। तिल रोहतेली नहीं बल्कि अभी जी एम ऑफनो भी एक बीच में जी आए, लेकिन अगर आधुनिक युग में जी देख लें तो मेरे विचार से गौरा देवी से हम, अगर गौरा देवी उन्होंने जोला तो हम तो तिल रोहतेली तो नहीं देखी, न जिया रानी दिखे जी, रावत जी में गलत हो बोल रही, लेकिन एक बेटी चमोली की बेटी। और मैं तो गया भी गांव में, मैंने कहा और मैंने पहले भी उनके साथ जो है जब उनको वृक्ष मित्र का पुरस्कार में मिला तो मैंने कहा मैं देखने जाता हूँ कि गौरा देवी ने एक गांव की ठेठ जिनको आ लिखना भी नहीं आता है
तो मैंने कहा कितनी बड़ी ताकत उनमें रही होगी, तो कि जो पेड़ पर चिपक गई कि आ जाओ भाई तुम सब लक्ष्य लेकर के, कुल्हाड़ी लेकर के, तमंचे लेकर के, बंदूक लेकर के आ जाओ। तो इस तरह से हमारे उत्तराखंड में, गढ़वाल में, कुमाऊं में ऐसा नहीं है। आज की जो आधुनिक हमारी तिल्लू रौतेली हैं, अगर उनको हमने याद करेंगे तो मेरे विचार से फिर हमारे कार्यक्रमों में कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ कुसुम जी बैठी हुई है देश जी, और मुझे याद आ रहा है जब गौड़ साहब ने फिल्म बनाई शायद 82-83 की बात है, तो पहले गढ़वाल भवन के हमारे अध्यक्ष रहे पीताम्बर दत्त बठवाल जी, और मैं उस समय बड़ा व्यस्त रहता था, तो उन्होंने एक दिन मुझे जो है, तब ये मोबाइल तो होते नहीं थे, तब फोन होता था, तो उन्होंने इतना जो है मुझे डांटा कि एक ऐतिहासिक काम हो है आज तक जो कोई नहीं कर पाया, कुसुम जी और गौर साहब जो है वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, और तुम बड़े नालायक हो, जैसे अभी हमारे पूर्व वक्ता रावत जी ने कहा कि लोग नहीं है, भाई भाव तो यही था कि हम अपने लोगों को सम्मान नहीं देते हैं, और तुम लोग ऐसे नालायक हो, पहली गढ़वाली फिल्म बन रही है और यही मिठल भाई पटेल हाउस में लगी, आप लोग रहे होंगे उसमें, कई लोग आए होंगे मिठल भाई पटेल हाउस में, और तुम लोग क्यों नहीं आ रहे। तो जब मैं गया तो देख करके कुसुम जी को अब तो काफी अंतर आ गया, तो हम सब लोग, बहुत से लोग उसमें रोने लगे। एक पहला जो सफल प्रयोग उन्होंने किया, तो सहयोगिता जी मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने उनका चयन और नौटियाल जी का यहाँ पर चयन, जो कि आपकी सिलेक्शन कमेटी होगी और भविष्य में आप खूब आगे बढ़े, तो सहयोगिता जी को मैं ये भी बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि कम से कम हमको आपके कार्यक्रम में कोई किसी राजनीतिक दल के हिसाब से नहीं आए, हम तो इसलिए आए कि आपने एक अच्छा ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। लेकिन जो बड़ी बात है वो बड़ी बात ये है कि हम अपने को जो उत्तराखंड के लोग हैं, मैंने पिछली बार भी कहा सती जी, हम आपको निरीह क्यों दिखाते, हम अपनी महिलाओं को निरीह क्यों दिखाते, मैंने पिछली बार भी कहा कि आप लोग तो सबसे सर्वश्रेष्ठ लोग, आपसे सर्वश्रेष्ठ कौन हो सकता है जो एक पेड़ के खातर पेड़ पर चिपक करके अपनी जान दे सकता है। सुंदरलाल बोगना अपना 63 दिन तक 64 दिन तक जो है वो अपनी जान को दे सकते हैं, हमारे विश्वमित्र छकलानी जी जो है वो 50 लाख पेड़ लगा सकते हैं। अरे तुमसे बड़ा कौन है इस दुनिया में, ये तुम लोग ना हो तो ये दिल्ली भी जो है बर्बाद हो जाएगी अगर हम वहां से इसकी रक्षा नहीं करें। अगर है उत्तराखंड का आज भी जो है, परसों में 5 जो हमारे जवान हैं, जवान 30-32 साल का, यहाँ जोत सिंह भंडारी जी होंगे उनका चचेरा भाई, उसकी चिता को हम आग लगा करके आए, ये यहाँ पर एक पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हुए अपने दामाद को आग लगा करके आए, इतना बड़ा कौन जो है दे सकता है इतना बड़ा बलिदान। तो हमको सबसे पहले, मैं सहयोगिता की और जो विशेषकर फिल्म क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, हमको अपनी निरीयता को बढ़ाना पड़ेगा। आप उत्तराखंड के लिए मुजफ्फरनगर में क्या नहीं हो गया, तो इससे बड़ा बलिदान कौन दे सकता है, तो उस पर अगर कुछ काम कर सके। मैंने कहा दिल्ली में लोग हैं 70-80 लाख लोगों को, हम अगर पानी ना हो तो टीवी बांध जो है 70-80 लाख लोगों को पानी दे रहा, अरे जमीन सब हमारी डूब गई, सब चीज डूब गया, रिश्ते नाते सब खत्म हो गए, इतना बड़ा बलिदान दिया और अगर हम पानी ना दें तो बिना पानी के मर जाओगे ना, अगर हमारे जंगल ना हो 72-73% जंगल ना हो और एक पेड़ लगभग 1 लाख रुपए का योगदान देता है वो ना हो, तो आप जो है बिना ऑक्सीजन के मर जाओगे, यहाँ दिल्ली में मर जाओगे जो भारत का दिल है। तो मेरा निवेदन है आपसे कि जो हमारी निरीयता है, हमने अपने गेट में देख वाला ना, तो वह भी चीज़ें चुनाव निर्वाह गए लगी, अरे क्यों रोते हो भाई, रोने वाला काम छोड़ो और लेने का काम करो, जो हमारा योगदान है उस भावना को आप लोग नए तरीके से फिल्म के माध्यम से, और अब तो इतने सारा जो है सोशल मीडिया आ गया है कि हमारा योगदान क्या है,
उस पर लोगों को बताओ कि बिना हमारे तुम जिंदा नहीं रह सकते हो, इसलिए जो है हमारा जिंदा रहना जरूरी है, हिमालय का जिंदा रहना जरूरी है, गंगा का जिंदा रहना जरूरी है और उत्तराखंड का जिंदा रहना जरूरी है। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ भगवान भाई आप सबको, मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूँ, उसमें बहुत समय लग जाएगा। और मैं तो विशेष रूप से जब उस दिन जब हमारा टिहरी उत्तरकाशी, मैं इनको भी कहता हूँ जो टिहरी उत्तरकाशी के लोग हैं, और यहाँ भी सब नेताओं को कहता हूँ, मंत्रियों को भी कहता हूँ, मैंने कहा अगर वहाँ से ना उत्तरकाशी से भागीरथी ना निकले और यमुना ना निकले तो ये जो सूर्यवंशी सब बैठे हुए हैं अगर वहाँ से भागीरथी को गंगा सागर तक नहीं ले जाते तो दोषी कुल में भगवान नाम कहाँ से पता पैदा हो जाते अगर सागर के पुत्रों को हम लोगों ने मुक्ति नहीं दी होती बताओ। उसी तरह से यमुना है, अगर वहाँ से देते तो भगवान श्री कृष्ण कहाँ जो मथुरा वृंदावन में कहाँ खेलते भाई, इस सब पर क्यों नहीं आप लोग जो है चिंतन करते हो। और मेरे ख्याल से ये चिंतन इस देश के लिए जरूरी है, समाज के लिए जरूरी है और मानवता के लिए जरूरी है। तो मैं ज़्यादा समय भाई आप लोगों का नहीं ले रहा हूँ, उनके लिए तो बहुत सी बातें हैं, मैं संयोगिता जी का बहुत आभारी हूँ उन्होंने यहाँ पर आने का मौका दिया मुझे, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ आप बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं जिनको ऑस्कर से लेकर के सारे अवार्ड आप लोगों को मिले, ये मैं मनोकामना ये मैं प्रार्थना भी करता हूँ। और आर्थिक आर्थिक सहयोग के लिए कितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं भाई, किशोर जो है मैं तो बार बार सही मैं तो नहीं मैंने क्या कहना हो, तो ये सब कहते हैं कि मैंने 100 साल में भी किशोर ही रहना है, तो किशोर क्या दे सकता है आप बताओ सहयोग, मुझसे जो भी पत्र पुष्प फलन तो इनके रूप में जो कुछ होगा मैं जरूर करूँगा। धन्यवाद। पत्र पुष्प अपने पास रखिए, फल दे देना सर हमको, और हम अगर चाहते वाकई इस तरह वाला कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं तो बिना पैसों का तो कुछ नहीं होता। हमारे कलाकार एक महीने से रिहर्सल कर रहे हैं कि दूर दूर से आते हैं, तो सबका इसमें सहयोग और सबका साथ चाहिए अगर हमें समाज के लिए कुछ करना है तो। प्लीज़ हमारे जूरी मेम्बर फटाफट कृपया मंच पर आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं दीनदयाल जी आप ऊपर तो मंच पर आ जाए, दीनदयाल जी आप मंच पर आ जाए। ये प्रशस्ति पत्र दिए जा रहे हैं निर्णायक मंडल को, ये बुके से स्वागत कर रहे हैं श्री जी। हमारे सुपरस्टार यार ये हिंदी में भाई जल्दी आने वाले हैं, भी हमारे उत्तराखंड की सलमान देख रहे हैं, उत्तराखंड की सलमान खान ही हमारे और दीनदयाल जी हम मैं चाहती हूँ आप सचिनानंद शर्मा जी का स्वागत करें, इनकी जो धर्मपत्नी हैं सुनीता शर्मा पोखरियाल वो हमारी सलाहकार भी हैं, मैं उनको भी चाहूंगी वो आए और इनको जयमाला पहनाएं। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। सुनीता शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसके बाद आप हम तक सॉल पर आना चाहिए, धन्यवाद। मैंने माफी चाहते हैं, होशपोच हो जाती है इतने कार्यक्रम में, तो ज्ञानी जी को भी सॉल जरूर देंगे हम देवर हमारे। और इसके बाद मैं हमारी कुसुम बिस्त को कहूंगी दो शब्द वो बोले। श्री पति कुसुम जी कहाँ पर हैं प्लीज आप मंच पर आए, और इन पंक्तियों के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगी कि कृपया मेरा आग्रह भी स्वीकार करें, जो घर चलना हो तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए,
हो गर्मी घर मन में प्रेम तो फिर मुस्कुरा दीजिए, है आज हमारा क्या पता कल हो ना हो, कोई गीत हो मन में तो फिर गुनगुना दीजिए। तो मेरी एक आपसे आग्रह है तो कि अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के साथ साथ हमें दो गीत की लाइनें भी हमें सुना। ज़्यादा कुछ क्या बोलूँ, सभी मेरे साथियों ने सब कुछ बोल दिया है और आज मुझे बहुत खुशी थी और मैं निर्णायक मंडल जी को धन्यवाद कर दूँ कि जो मीठे आज इसका सम्मान है। हमें ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत मन भरा हुआ है मेरा और बहुत इमोशनल हो रही हूँ, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और संगीता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने दो लाइन गाने की फरमाइश की तो मैं गा देती हूँ। सरा बस बाल आभार व्यक्त करती हूँ और जिन्होंने मुझे यहाँ तक मेरा काम देख के यहाँ तक पहुँचाया उनका भी मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय महानुभाव, मैं तिलुर रौतेली पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अत्यधिक सम्मानित और आभारी महसूस कर रही हूँ। यह पुरस्कार मेरे लिए एक बड़ा सम्मान है और मुझे अपने कामों के लिए प्रेरित करता है। मैं अपने परिवार मित्रों और संस्था के सदस्यों का धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस यात्रा में समर्थन दिया है, उनके बिना मैं यहाँ नहीं होती। मैं तिलुर रौतेली के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूँगी और मानवता के लिए काम करना जारी रखूँगी। इस पुरस्कार को मैं उन सभी लोगों को समर्पित करती हूँ जिन्होंने मुझे प्रेरित किया है और जिन्हें मैंने अपने कामों की मदद करने का प्रयास किया है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ यह पुरस्कार जिस महान आत्मा और गर्व गौरव के मान में मुझे दिया जा रहा है उनको नमन करते हुए भी मैं समाज के लिए समर्पित होकर काम करने की प्रेरणा दूंगी। और इसमें मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ, इसमें सबसे बड़ा मेरा जो सहयोग है मेरे पति देव का है, उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया। मैं ऐसे जो लावारिस मानसिक तौर पर जो विक्षिप्त होते हैं उन लोगों की सेवा करती हूँ, तो उन्होंने आज तक मुझे कभी नहीं बोला कि तुम इनकी सेवा क्यों करते हो, पुरुष हो चाहे महिला हो। एक महिला के लिए पुरुष को मतलब उसके दाढ़ी बनाना, उसके बाल काटना, उसको नहलाना एक बहुत बड़ी बात होती है, तो उसके लिए मेरे सिर्फ मेरे पति देव मेरे प्रेरणादायक हैं। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों को मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो सादर प्रणाम आप सभी। अब आपके सामने एक जोड़ा प्रस्तुत हमारा आखिरी कार्यक्रम है, पर इससे पहले मैं हिल्स वन की टीम को बुलाना चाहूँगी। देवाधानी जी हमारे मागल फिल्म के हीरो, केदार फिल्म के हीरो, कृपया मंच पे आए। सतेंद्र भाई, सतेंद्र भाई, विशाल और जो भी हमारे हिल्स वन के फटाफट मंच पे आ रहे हैं कृपया। केदार फिल्म में गाने गाए हैं और हमारे उठने का टाटा सॉन्ग सतेंद्र अगले साल दो 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 दिन में
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतेंद्र भाई बताने हमारे कहाँ चलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी बहुत जल्दी मादक फिल्म आ रही है, आप लोग देखेगा। अभी लास्ट हमारे डांस का कार्यक्रम है, लास्ट लास्ट डांस का कार्यक्रम है बस, प्लीज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा डांस की प्रस्तुति है, ये हमारा आखिरी कार्यक्रम है, प्लीज इसको। चाणक्यपुरी जो हमारा उत्तराखंड सदन है, उसमें हमारे माननीय विधायक किशोर उपाध्याय जी और दिल्ली के तमाम सभी सामाजिक समाज सेवी लोग उसमें आ रहे हैं, और जिसमें ये हिमालय बचाओ गंगा बचाओ पर एक विचार गोष्ठी रखी गई है, तथा आप सभी बुद्धिजीवियों से निवेदन है कि कृपया आप भी कल 11 बजे उत्तराखंड सदन जरूर पहुंचे। धन्यवाद। Oh,
साथ ही हमारे आज के प्रश्न जो समारोह संपन्न होता है, अब मैं श्री दीन दयाल जी से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद प्रस्ताव रखे। श्री दीन दयाल जी, इस गढ़वाल गौर में सभी आगंतुकों का आज एक अभिनंदन करता हूँ। उत्तराखंड फिल्म एंड आर्ट संस्थान की ओर से जो प्रस्तुति पेश की गई, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कोई गलती भी हुई होगी तो सारे लोग आप अपने ही लोग हैं और कलाकारों की गलतियों को, छोटी मोटी गलतियां जो भी होती हैं उसको माफ करने की कृपा करेंगे। और इसी के साथ आज का पूरा संपूर्ण प्रोग्राम